सो हाय गाइस, तन्मय द साइड फ्रॉम ट्रैवलिंग बाजी, और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं जयगढ़ फोर्ट में और देखने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन, जिसे हम लोग तोप भी कहते हैं, और हम लोग दर्शन करने वाले हैं जयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर के। और मैं आपको थोड़ी सी जयपुर की हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि कैसे जयपुर स्टार्ट हुआ और क्या मतलब जयपुर का, आमेर का, नाहरगढ़ का क्या रिलेशन है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपने कभी जयपुर विजिट किया है कि नहीं करा। अगर विजिट किया है तो बहुत बढ़िया, कमेंट करके बताना, पर अगर नहीं करा तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग प्लान करिए जयपुर। देखिए, जयपुर में जयपुर बेसिकली एक फोर वॉल्ड सिटी है, चार गेट्स हैं जयपुर के, उसके अंदर जो भी है वो सारा मतलब वहाँ पे सारी दीवारें जो है पिंक कलर की पेंटेड है, तो इसलिए जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वो शहर बोलते हैं और शहर के बाहर का एरिया अलग है, और फिर ये नाहरगढ़, आमेर और ये सब फोर्ट्स वगैरह है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दो दिन निकाल के आइए, बहुत कंफर्टेबली आप लोग देख लेंगे। पहले दिन आप लोग नाहरगढ़ फोर्ट देखिए, जो मैंने वीडियो आई बटन में लिंक करी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं नाहरगढ़ में क्या क्या करने वाली चीज़ें हैं। पहले दिन में नाहरगढ़ जाइए और उसके बाद जयगढ़ आइए, जो आप इस वीडियो में देखेंगे, और दूसरे दिन आप लोग आइए, सुबह सुबह आइए या फिर आप शाम को आइए, जैसे आपको ठीक लगे। सुबह आएंगे तो आप हाथी सवारी कर सकते हैं आमेर फोर्ट में, जो हम लोग नहीं कर पाए थे बिकॉज अर्ली मॉर्निंग रहती है, बहुत अर्ली मॉर्निंग। और अगर आप शाम को आते हैं आमेर फोर्ट में, आमेर फोर्ट में कम से कम 2-3 घंटे निकाल के आइए, आमेर फोर्ट में आइए और लंच भी वहीं पर करिए। वहाँ पर 11:35 AD करके रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, और वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है रात में। तो सुबह आएंगे तो हाथी सवारी, रात में तो लाइट एंड साउंड शो, और अगर पूरा दिन वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें एक दिन में भी कर सकते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मैंने ये सारी चीज़ें एक दिन में करी थी, बट मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सुबह 12 बजे से स्टार्ट किया था और रात को आई थिंक 12-1 बजे मैं हॉस्टल पहुंचा था और आई वॉज लाइक टोटली एग्जॉस्टेड। तो अगर आप लोग घर वालों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या वेकेशन पे गए हैं तो इतना एग्जॉस्टेड होने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए धीरे धीरे करिए। ये आइटनरी दो दिन में ब्रेक करके फॉलो करिए और जो जो आप वीडियोस में चीज़ें देख रहे हैं उनको ही करिए तो एकदम परफेक्ट रहेगा। अब बिना किसी देर के वीडियो के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं पहले गोविंद देव जी मंदिर के, और वहीं से थोड़ी सी जयपुर के बारे में चीज़ें समझ के फिर वहां से निकलते हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ। अच्छा, तो जो अभी आपने पीछे देखा था वो था सरगासूली, और मेरे को कार्तिक बता रहे कि ये जैसे कुतुब मीनार है उस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, बट इसको ये कोई वॉर जहाँ पे जीते थे तो बनाया था। मुझे इतनी ज़्यादा हिस्ट्री याद नहीं है तो मैं गूगल से ढूंढ के चिपका दूंगा यहाँ पे। तो अभी आपने जो पीछे देखा वो था हवा महल, इसको हम लोग बाहर भी बाद में भी चेकआउट करेंगे, बट मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा था मैं कैसे उल्टे सीधे तरीकों से शॉट्स लेता हूँ। कहाँ जाने हैं अभी हम लोग? अपन गोविंद जी जा रहे हैं आगे सामने सिटी पैलेस है, हाँ, और इसके इस साइड ही जंतर मंतर है लेफ्ट में। हम लोग आए हैं गोविंद देव जी मंदिर में, मेरे को कार्तिक बता रहा है। कार्तिक, गोविंद देव जी मंदिर के बारे में थोड़ा बताओ। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी में हैं, बिकॉज 11:30 बजे दर्शन बंद हो जाते हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:15। धूप के दर्शन होते हैं, फिर श्रृंगार होता है सुबह सुबह 9:30 के आसपास की, भगवान तैयार होकर जाते हैं,
फिर उनको भोग लगता है, राजभोग भी हम लोग यहाँ पे, हाँ फिर वो भोग खाना खा के गाय चराने जैसे जाते थे वैसे जाएंगे, फिर शाम को वापस आएंगे तो ग्वाल झांकी हुई गायों को चरा करके लेके आए, फिर संध्या झांकी हुई, फिर शाम के दर्शन होंगे और फिर रात को सोना सेवन। हाँ अब यहाँ तो क्लियर व्यू, वो गढ़ गणेश जी का मंदिर है सामने वो उधर, ठीक है। दिस वॉज यूज टू बी ए ताल कटोरा घाट तालाब, जहाँ पे पहले पानी पूरा भरा हुआ रहता था सारा, हाँ। और फिर यहाँ पे मंदिर के साथ में इनको नौका विहार और वो सब जो स्पेशल झांकियाँ होती है कभी कभार, हाँ हाँ। सावन का मैं जैसे मानसून सीजन आएगा तो इनको बाहर पानी में सैर कराई जाती है, उसमें क्या है आपके दोनों ये सीधा पूरा पैरेलल दिखता है, हाँ हाँ। और फिर वहाँ से क्या होता था वहाँ पे रूलिंग भी दिखती थी, अच्छा वो एक फोर्ट उस साइड है एक फोर्ट इस साइड है, तो ये दोनों से रूलिंग भी दिखती थी, तो तब वो मतलब वॉर वगैरह के टाइम पे इजी रहता है टू आइडेंटिफाई द वो, तो क्या है हमारा शहर इस साइड है वॉर मेजोरिटी दिल्ली साइड से ज्यादा अटैक्स होती थी, हाँ। तो उस साइड में बना हुआ है तो आमेर और उस साइड में पहले इसलिए बना हुआ था कि वहां से आता हुआ दिख जाए, एनिमी दिख जाता था। यहाँ से जयगढ़ का रास्ता स्टार्ट हो गया, अभी हम लोगों ने डाइवर्जन लिया है नाहड़गढ़ से जयगढ़ की तरफ, और मेरे को कार्तिक बता रहा है कि जयगढ़ में जयगढ़ यूज टू बी अ बैटलफील्ड एरिया, और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है जिसे कहते हैं कैनन, इसको एक ही बार फायर करा है अभी तक, टेस्ट ट्रायल जो था एक ही बार ट्राई करा था इसको, हाँ। और जो वो थी ना इम्पैक्ट था ना 45 किलोमीटर दूर जाकर के वो गिरा था, अच्छा तो प्यारा लग रहा है। ₹50 और पार्किंग का यहीं से होगा, जय से जय सिंह जय से सारी चीजें। पहले आमेर विलेज था इनका, जयपुर नहीं था, जयपुर तो 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह जी ने डेवलपमेंट करवाया, अच्छा वो भी जय से ही, हाँ। पांच जंतर मंतर भी बनाए थे उन्होंने, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जो आप देखने चल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उस तोप का नाम भी जयवान रखा था, अच्छा पांच कलर का झंडा राजा हो, इसमें रेड येलो ग्रीन ब्लू होता है वो, उधर को पांच कलर का झंडा है, अभी हवा नहीं चल रही तो इतना देख नहीं रहा, तो यहाँ क्या देखने लायक क्या है, तोप देखने लायक है, तोप और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वो कैनाल है जो मैं बता रहा था ना पानी का, हाँ हाँ हाँ। उधर की पहाड़ियाँ जो भी माउंटेन है वो हाइट के ऊपर, इधर स्लोप है तो बाहर से पानी नीचे गिर रहा है, मैं फिर चढ़ाई पे स्लोप करके आगे जाएगा। ओंदा व्हील बिगेस्ट कैनन है, पहियों पर खड़ा विश्व का सबसे बड़ा तोप महाराजा सवाई जयसिंह जी ने बनाया था, जयवान नाम रखा था इसका जयसिंह जी का वाहन, अच्छा। बैरल जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला 8 मीटर्स का है, गाड़ी आयरन का है, अच्छा। ओनली वन बार इसको ट्रायल किया था तब 100 केजी गन पाउडर डाला, 50 केजी आयरन बोल डाला, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक चाकसू विलेज है जहाँ जाके इसका बोल गिरा था, अच्छा। जिस जगह बोल गिरा राजा ने पहचान के लिए तालाब बनवा दिया वहाँ, उस जगह को आज भी गोली राव तालाब के नाम से जानते हैं, अच्छा। ऐसा नहीं था कि गोला गिरने से तालाब बन गया, पहचान के लिए बनवाया गया, पहचान के लिए कि याद रहे हमेशा, हाँ, यहाँ गोला गिरा था, राजा ने तोप चलाए और यहाँ के गोला गिरा, बीच में जैक सिस्टम है देख रहे हैं आप, सिख सोल्जर पकड़ के इसको घुमाएंगे, एक दो आदमी सिर्फ इसका जो जैक में नहीं चढ़ेगा, हाँ। बैरल इसका जो हाइट होगा, फ्रंट इसका डाउन होगा तो गोला पास में गिरेगा, इसी एंगल पे चलाएंगे तो गोला दूर जाएगा। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 1720 में बनाया गया था, वैसे 1835 के बाद में गाड़ी बनाई थी, केवल तोप बनाया था 1735 में, अच्छा। विजयदशमी के दिन खुद राजा आते हैं पूजा करते हैं, दशमी के दिन पूजा होती है, जो फ्रंट पे इसके पूजा की चिन्ह भी लगेगा, अच्छा। और ये जो फूल पत्ती वगैरह देख रहे हैं आप, इसमें पीछे का हिस्सा आगे का हिस्सा सारा मुगल आर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुगल जो आर्किटेक्चर तोप बनाते थे, हाँ। राजा हिंदू थे, हाँ। इसमें आप देख रहे हैं एक पक्षी का जोड़ा बना हुआ है, हाँ हाँ, ऊपर आगे एक एलिफेंट लगाया गया है, हाँ। ये दोनों हिंदू आर्ट है, यानी इसमें मिक्स है मुगल और हिंदू आर्ट दोनों ही। और फिर दो पाइप लगा दी इधर, तो पाइपों की सहायता से आता है, पहले पाइप नहीं थे, गाड़ी जा रहे ना उससे राइट वाली दीवार उस दीवार से टचती है, रोड बनाया तब पाइप सिस्टम किया, उधर ऊंचा इधर नीचा, तो जो पानी आएगा वो जाली के द्वारा या जाली लगा रखा है नीचे जाएगा, जो अभी कचरा देख रहे ना आप, कचरा इसमें रुक जाता है। दादा इसको घूमने में इतना देर लगता है? आधा घंटा, आधा घंटे में पूरा देख लेंगे, तो इसको आधा घंटा और नाहड़गढ़ को कितना मान के चलो? वही इतना ही होता है,
आधा पौना घंटा उसका। हाँ मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं करना, नाहरगढ़ को ज़्यादा वो करा है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया ना बस, और बाकी जो है जैसे है वैसे ही है। हाँ उधर बड़ा तोपा, ये तो जो जंग लगे देखी है, ये तो वो काली वाली तो नहीं लग रही है, वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की है। हाँ नहीं है वो तो, अब ऐसे ले आओ। चलिए ठीक है जी, जैसा टाइम हो तो वैसे घूम फिर। ठीक है धन्यवाद काका। विलास पपेट थिएटर, ललित मंदिर, किचन एंड डाइनिंग हॉल, विलास मंदिर, गार्डन एंड आराम मंदिर। बिट्टू बॉय, ये है भाई पिंक सिटी, तो पिंक एज एनीथिंग। तो फाइनली हम लोग अभी आ रहे हैं जयगढ़ फोर्ट से, और वहाँ पे हम लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप ऑन व्हील्स देखी। हाँ और हम लोगों ने वहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग राजस्थानी थाली खाई, केर सांगरी की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, दाल, बाजरे की रोटी और अमेजिंग अमेजिंग मिर्ची की रोटी। मतलब मुझे मिर्ची की रोटी इतनी पसंद है ना, और कमाल की थी। बट अगर आप कंफ्यूज हो जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट के बीच में, तो आई वुड रिकमेंड मच रादर गो टू नाहरगढ़ फोर्ट, बिकॉज हम लोगों को अभी खाना खाने में आधा घंटा लगा हम लोगों को, वैसे 45 मिनट्स हम लोगों को जयगढ़ फोर्ट में लगे, और नाहरगढ़ फोर्ट में भी अराउंड डेढ़ घंटा ही लगा। अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम लगा, प्लस माइनस 15-20 मिनट्स, बट वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखी हम लोगों ने, सनराइज पॉइंट देखा। तो फाइनली हम लोग अभी आ रहे हैं जयगढ़ फोर्ट से, और वहाँ पे हम लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी तोप ऑन व्हील्स देखी। हाँ और हम लोगों ने वहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग राजस्थानी थाली खाई, केर सांगरी की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, दाल, बाजरे की रोटी और अमेजिंग अमेजिंग मिर्ची की रोटी। मतलब मुझे मिर्ची की रोटी इतनी पसंद है ना, और कमाल की थी। बट अगर आप कंफ्यूज हो जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट के बीच में, तो आई वुड रिकमेंड मच रादर गो टू नाहरगढ़ फोर्ट, बिकॉज हम लोगों को अभी खाना खाने में आधा घंटा लगा हम लोगों को, वैसे 45 मिनट्स हम लोगों को जयगढ़ फोर्ट में लगे, और नाहरगढ़ फोर्ट में भी अराउंड डेढ़ घंटा ही लगा। अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम लगा, प्लस माइनस 15-20 मिनट्स, बट वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें देखी हम लोगों ने, सनराइज पॉइंट देखा वहाँ पे, तीन चार व्यू वाले व्यू भी वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्रेजी क्रेजी व्यूज़, प्लस वहाँ पे शीश महल वगैरह भी है। तो अगर आपको, जैसे आप जयपुर कम टाइम के लिए आए हो, आपको ज़्यादा चीज़ें करनी है, या आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें निचोड़नी है, देखनी है, तो नाहरगढ़ फोर्ट इज़ वन थिंग कि आप आओगे, आपकी राइड भी हो जाएगी, फैमिली फ्रेंड्स जिसके साथ भी आ रहे हो, अच्छा खासा राइड वाला ऑप्शन है। आई वुड रिकमेंड कि वहाँ से वो वाला स्टीप वाला स्लोप मत लेना, वो थोड़ा डेंजरस है, ये वाला राइड है, मस्त क्रूज़ करते हुए आओ, व्यू देखते देखते रुकते रुकते, और वहाँ पे जाओ, चीज़ें देखो और वापस चल दो वापस सिटी की तरफ। दिस इज़ वन थिंग जो आप आधा दिन जिसके लिए निकाल सकते हो, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग आओ, सनराइज देखो, या फिर लेट इवनिंग सनसेट देख के जाओ, दोनों में से एक चीज़ करके जाओ। हमारी किस्मत अभी थोड़ी टाइम के मामलों में बंधी हुई है, क्योंकि हम लोग जयपुर में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, तो हम लोग बीच में आए हैं, बट कोई नहीं, उसका कॉम्पेंसेट करेंगे, बाकी जगह आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं आगे, बहुत हवा आ रही है, मेरे को पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है, शायद आवाज़ अच्छी आ रही हो। वीडियो लाइक कर दो, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है पहले ही कर दिया करो। वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, उधर से वो रहा जगह को, और ये सारा का सारा अरावली रेंज, मज़ेदार, और वो जल महल।